मोहतरम वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब अली गुज़िश्ता 8 माह से सोयाबीन सीड्स की दरामद पर पाबंदी है। सोयाबीन सीड्स की बंदिश की वजह से खाम माल नापैद हो चुका है। पोल्ट्री की सनअत जो कि पहले ही तबाही से दोचार थी, पैदावारी लागत ज्यादा होने के बायस 40% पोल्ट्री इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। आज मुर्गी के गोश्त की कीमत 635 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जो कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2022 में 380 रुपए थी, जिसकी वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 67% इजाफा हुआ है और पाकिस्तानी अवाम 1,30,00,00,000 रुपए रोजाना की बुनियाद पर इजाफी बोझ लादा गया। पिछले 4 साल से सोयाबीन GMO सीड्स की इंपोर्ट की दरखास्त वजारत मालियाती तब्दीली में जमा है, जिस पर तहाल कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि यही सोयाबीन पिछले 20 सालों से न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि सऊदी अरब, जापान, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के अलावा दुनिया के बेशतर मालिक में इस्तेमाल हो रहा है। कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह सोयाबीन सीड्स की इंपोर्ट पर पाबंदी है। सोयाबीन मील मुर्गी की खुराक का बुनियादी अंसर है। इस बहरान के नतीजे में लाखों लोग न सिर्फ बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। पोल्ट्री और सॉल्वेंट की सनअत अरबों रुपए का नुकसान उठा चुकी है और ये नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अवाम को महंगाई के सैलाब और आने वाले दिनों में शदीद गिजाई किल्लत से बचाया जाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी सोयाबीन सीड की दरामद पर से पाबंदी उठाई जाए। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन।